हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट विद नायक। मेरा नाम लोकेश नायक है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर ग्रिड कैसे बनाते हैं। समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एंडिंग तक आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो मैं एक साइड से स्टार्ट करूंगा ग्रिड बनाना। सपोज अगर आप 3 सेंटीमीटर का ग्रिड बना रहे हैं या 4 सेंटीमीटर का, तो उसके मल्टीपल में आप पॉइंट रखते जाएंगे। तो अभी मैं बना रहा हूँ 3 सेंटीमीटर का, तो 3 पे मैंने पहले पॉइंट रखा, फिर मैंने 6 पे रखा, ऐसे करते करते मैंने लास्ट तक 3। कभी भी आप लाइन खींचें या पॉइंट रखें तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो पेंसिल है काफी लाइट प्रेशर में चलना चाहिए, ताकि वो इजिली इरेज हो सके। अब एक साइड ग्रिड होने के बाद उसके जस्ट अपोजिट साइड हम ग्रिड करेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि स्केल यहां पर 0 रखते हैं और इस साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब यहां से स्टार्ट करते हैं तो कई बार पेपर को फ्लिप करके लोग यहां से 0 स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण ग्रिड के पॉइंट्स मैच नहीं करते और हमारी लाइन टेढ़ी बन जाती है। तो अगर आप ये इस पॉइंट से 0 को, इस साइड से 0 को स्टार्ट कर रहे हैं यहां से रखते हुए, तो इसके जस्ट अपोजिट आपको यहीं पर स्केल रख के पॉइंट्स मार्क करने हैं। मेरे दोनों साइड ग्रिड हो चुके हैं और मैं बाकी के दो साइड लाइन खींचने के बाद ग्रिड करूंगा। उसका रीजन ये है कि कई बार हमारा पेपर जो है हम टेढ़ा कट कर देते हैं, तो जिसके कारण जो हमारे ग्रिड है उसके रीजन से भी वो टेढ़े ग्रिड बनते हैं। और मैं काफी टिप से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा रहा हूं पेंसिल में। लाइन जो है हमारी काफी लाइट बननी चाहिए ताकि हम इरेज कर सकें वेरी इजिली। फिर दोनों साइड से हमने पॉइंट्स किए। लाइन खींचने के बाद बाकी के जो अपोजिट साइड्स हैं उनमें हम ग्रिड करने के लिए क्या करेंगे, परफेक्ट 90 डिग्री में होना चाहिए। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, हमारे पास जो रफ पेपर होते हैं, A4 साइज के जो फोटोकॉपी पेपर्स होते हैं, उनकी मदद से हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, ये जो हमने लाइन खींची है, हमने एक साइड इस पेपर को यहां से एजेस को मिलाया और चेक किया। ये देखिए, यहां कम साइड बचा है और यहां ज्यादा बच रहा है, इसका मतलब जो हमारा पेपर है वो टेढ़ा काटा है। तो हम उसको मार्क कर लेंगे। अब लाइन खींचने के बाद हमें ये चीज हमने फाइंड किया कि पेपर जो है हमारा टेढ़ा काटा है। अब हमें एक साइड का पोर्शन मिल चुका है, दोनों साइड की हमने लाइनिंग कर ली है। अब यहां से हम पॉइंट्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने स्केल को रखा, सपोज मैंने यहीं से 0 पे रखा, मेक श्योर आपका जो स्केल है स्ट्रेट होना चाहिए, लाइन को अच्छे से रखा होना चाहिए। फिर हम ये जो हमारी जो लाइन खींची हुई है, ये वाली जो हमने पेपर को रख के स्ट्रेट लाइन फाइंड की है, फिर यहां से हमने जो हमारा 3 सेंटीमीटर का था हम पॉइंट्स, अब एक साइड होने के बाद सेम दूसरे साइड से करेंगे। हमें पता है कि यहां से स्टार्ट करना है क्योंकि जो हमारा पेपर है वो टेढ़ा था, तो 3
3-3 के पॉइंट्स में। अब दोनों पॉइंट्स होने के बाद हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। सपोज अगर आपका स्केल यहां तक नहीं आ पा रहा है, मींस हमारा स्केल छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर में भी ऐसा एक पॉइंट बना लेंगे, तो हमारी जो लाइन है स्ट्रेट हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा सेंटर, सेंटर से भी मैंने जीरो पे रखा। ये वो साइड है जहां से हमने पेपर का फाइंड किया था, जो साइड टेढ़ा है। तो 3, 6, 9, 12 सो ऑन। अब हम पहले पॉइंट से दूसरे मिडल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। मिडल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और फिर मिडल से लास्ट पॉइंट। ऐसे ही हम बाकी पॉइंट्स को भी मिड पॉइंट से पहले ज्वाइन किया, फिर नीचे आ गए। अब हमारे ग्रिड रेडी हैं। हमारे प्रॉपर ग्रिड बनने के बाद हमने फाइंड किया हमारा जो साइड है 2 या 3 साइड से टेढ़ा है। अब जो हमारा फ्रेम है, पहले हम उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लें, तो हमें फाइंड हो जाएगा कि कौन सा साइड हमारा टेढ़ा है। ये देखिए हमारा ये साइड सही है, ये साइड टेढ़ा है, तो इसको हम बाद में हमारी ड्राइंग बनने के बाद हम उसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। ये साइड भी थोड़ा सा टेढ़ा है यहां से, और ये वाला साइड जो हमने फाइंड किया था ये भी टेढ़ा है। अब इसको चेक करने का एक तरीका है, कोई भी साइड जैसे कि ये मैंने रखा, जीरो पे मैंने रखा और ये एंड हो रहा है 27 पे। सेम अगर हम नीचे साइड देखें, अगर मैंने जीरो पे पुट किया है इसको, जीरो पे रखा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 27 पे खत्म, यानी कि ये जो साइड है हमारे ये दो, ये सही है। अब बाकी अगर हम यहां से फाइंड करें, जीरो पे मैंने स्टार्ट किया और लास्ट का जो स्क्वायर है उसमें देखें तो ये 30 पे खत्म हो रहा है, तो मैंने नीचे भी वही फाइंड किया, जीरो पे मैंने रखा और मैंने चेक किया लास्ट का जो स्क्वायर है उसके पहले 30 पे ये खत्म हो रहा है।